तो राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब सबको इंतजार मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों का है। सचिन पायलट दिल्ली में हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। सबकी नजरें महासचिव प्रियंका गांधी से होने वाली संभावित मुलाकात पर टिकी। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार अब पायलट कैंप के साथ गहलोत खेमे के बीच देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में गहलोत कैंप के 12 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग की है। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल, पी आर मीणा, विश्वेंद्र सिंह, खिलाड़ी लाल बैरवा, बलवान पुनिया, सुरेश टाक, ओम प्रकाश हुडला शामिल हैं। दूसरी ओर जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर कांग्रेस में उच्च स्तर पर एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, जिसके तहत पहली बार जीत कर आए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सचिन पायलट कैंप और गहलोत कैंप में से पहली बार जीत कर आए विधायकों को निराशा हाथ लग सकती है। इधर बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किए जाएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस का अभी फिर से संगठन विस्तार होना है, जहां पहली बार जीत कर आए विधायकों को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में 40 के करीब बोर्ड और निगम ऐसे हैं जहां राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। ऐसे में चर्चा है कि पहली बार जीते विधायकों को बोर्ड और निगम में एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आलाकमान का फॉर्मूला लागू होता है तो गहलोत पायलट कैंप के बीच सुलह का रास्ता बन सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।